दोस्तों आपका इंग्लिश विंग्लिश चैनल में पुनः स्वागत है। आज मैं आपके लिए काफ़ी समय बाद लेवल वन के नए सेंटेंसेस लाया हूँ। लेवल वन के सेंटेंसेस सरल एवं सटीक होते हैं। इनको मीडियम स्तर के सेंटेंसेस कहा जा सकता है, यानी ना तो ये बहुत सरल होंगे ना ही बहुत कठिन। इन सभी सेंटेंसेस से आप स्वयं को रिलेट कर सकते हैं। पुराने लेवल वन के सेंटेंसेस का लाभ उठाने के लिए कृपया चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें। इन वाक्यों की लगातार प्रैक्टिस करते रहें ताकि इन्हें आप कभी भूल ना पाएं। आइए शुरू करते हैं। और पहला वाक्य है, बोलने की आज़ादी को मत रोको। डोंट कर्ब द फ्रीडम ऑफ स्पीच। डोंट कर्ब द फ्रीडम ऑफ स्पीच। कर्ब यानी रोकना या नियंत्रित करना, फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी बोलने की आज़ादी। उन्होंने अपनी पुरानी गलतियों से सीखा। दे लर्नड फ्रॉम देयर पास्ट मिस्टेक्स। दे लर्नड फ्रॉम देयर पास्ट मिस्टेक्स। आपके प्रस्ताव को सफलता मिल सकती है। योर प्रपोजल मे मीट विथ सक्सेस। योर प्रपोजल मे मीट विथ सक्सेस। प्रस्ताव यानी प्रपोजल। मेरे अंदर जोरदार आवाज़ का डर बैठ गया। आई डिवेलप्ड अ फोबिया ऑफ लाउड साउंड्स। आई डिवेलप्ड ए फोबिया ऑफ लाउड साउंड्स। फोबिया यानी डर। बैठ गया के लिए डिवेलप का प्रयोग करेंगे। मैं आपको यात्रा पर अपने साथ ले जाऊंगा। आई विल टेक यू अलॉन्ग ऑन ए जर्नी। आई विल टेक यू अलॉन्ग ऑन ए जर्नी। साथ ले जाने के लिए टेक अलॉन्ग का प्रयोग होता है। ज़ोरदार हंसी मजाक के बीच उसने कहा। ही सेड टू लाउड लाफ्टर। ही सेड टू लाउड लाफ्टर। रिश्तेदार के पास जाना टल सकता है। विजिट टू ए रिलेशन मे गेट पोस्टपोन्ड। विजिट टू ए रिलेशन मे गेट पोस्टपोन्ड। पोस्टपोन यानी टालना। एक प्रतीक्षित भुगतान मिलने की संभावना है। एन अवेटेड पेमेंट इज़ लाइकली टू मटीरियलाइज। एन अवेटेड पेमेंट इज़ लाइकली टू मटीरियलाइज। प्रतीक्षित यानी जिसकी आपको उम्मीद हो, इंग्लिश में से हम अवेटेड कहते हैं। मटीरियलाइज जब कोई इच्छा या बात पूरी होती है तो उसके लिए आप मटीरियलाइज का प्रयोग करते हैं। लाइकली यानी संभावित। थोड़ा व्यायाम करो। डू ए लिटिल स्वेटिंग आउट। डू अ लिटिल स्वेटिंग आउट। स्वेट आउट या एक्सरसाइज एक ही बात है। आपका भाग्य अच्छा होने को तय है। योर फॉर्च्यून्स आर सेट टू राइज। योर फॉर्च्यून्स आर सेट टू राइज यानी आपकी किस्मत बदलने वाली है। वह यहाँ पढ़ने में असमर्थ था। ही वॉज अनेबल टू स्टडी हियर। ही वॉज अनेबल टू स्टडी हियर। असमर्थ यानी अनेबल। हम किसी तरह घर पहुँच गए। वी मैनेज टू गेट होम। वी मैनेज टू गेट होम। किसी प्रकार के लिए मैनेज शब्द का प्रयोग होता है। न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। मिनिमम टेम्परेचर इज़ एक्सपेक्टेड टू स्टे बिटवीन 8 एंड 9 डिग्री। मिनिमम टेम्परेचर इज़ एक्सपेक्टेड टू स्टे बिटवीन 8 एंड 9 डिग्री। यह उसकी रोज की दिनचर्या है। इट इज़ हिज डेली रूटीन। इट इज़ हिज डेली रूटीन। पंकज ने मोहन को वाहन से घसीटकर बाहर निकाला। पंकज ड्रैग्ड मोहन आउट ऑफ द व्हीकल। पंकज ड्रैग्ड मोहन आउट ऑफ द व्हीकल। घसीटने के लिए ड्रैग शब्द का प्रयोग होता है। व्हीकल यानी वाहन। उसे पुलिस थाने बुलाया गया। ही वॉज कॉल्ड टू द पुलिस स्टेशन। ही वॉज कॉल्ड टू द पुलिस स्टेशन। रामू की एक पेंटर के साथ जान पहचान थी। रामू वॉज एक्वेंटेड विद ए पेंटर। रामू वॉज एक्वेंटेड विद ए पेंटर। एक्वेंट यानी जान पहचान होना। इसके बाद विद प्रपोजिशन का प्रयोग होता है। अभी तक कोई शिकायत सामने नहीं आई है। नो कंप्लेंट हैज़ कम फॉरवर्ड येट। नो कंप्लेंट हैज़ कम फॉरवर्ड येट। मैंने आपके लिए भोजन खरीद लिया है। आई हैव बॉट मील्स फॉर यू। आई हैव बॉट मील्स फॉर यू। उन्होंने एक दूसरे पर
गालियाँ बरसाई. दे हर्ल्ड एब्यूजेस एट ईच अदर. दे हर्ल्ड एब्यूजेस एट ईच अदर. हर्ल का अर्थ जोर से फेंकने से होता है, परंतु एब्यूज़ के साथ इसका अर्थ बरसना ज़्यादा उचित लगता है. रीमा दर्द से चिल्लाई. रीमा हाउल्ड इन पेन. रीमा हाउल्ड इन पेन. हाउल यानी चिल्लाना. क्या तुम्हारे पास रोकड़े की कमी है? आर यू फेसिंग ए कैश क्रंच. आर यू फेसिंग ए कैश क्रंच. कैश यानी रोकड़ा, कमी के लिए क्रंच का प्रयोग होता है. यह गाना मेरी पसंद का है. दिस सॉन्ग इज़ टू माई लाइकिंग. दिस सॉन्ग इज़ टू माई लाइकिंग. रवि का जुबानी झगड़ा हुआ. रवि हैड ए वर्बल फाइट. रवि हैड ए वर्बल फाइट. वर्बल यानी जुबानी, यानी मारपीट वगैरह नहीं हुई. व्यापार का भट्टा बैठ गया. बिजनेस वेंट बस्ट. बिजनेस वेंट बस्ट. गो बस्ट का अर्थ व्यापार का ह्यूज लॉसेस के बाद समाप्त होना होता है. ये एक idiomatic एक्सप्रेशन है. फ्रेंड्स, आई होप दैट यू हैव लाइक दिस वीडियो एंड दैट इट वॉज एबल टू मीट योर एक्सपेक्टेशंस. कीप प्रैक्टिसिंग दीज सेंटेंसेज वेर एवर एन अपॉर्चुनिटी कम्स योर वे. टिल वी मीट अगेन, कीप स्माइलिंग एंड टेक वेरी गुड केयर. बाय फॉर नाउ.